हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट क्वेरीज से जुड़े हुए हैं। तो गैस, आपको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे मैं कुछ पीस ऑफ कोड लिखूंगा, उससे आप देख के प्रेडिक्ट करना है आपको कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ। यहाँ पर मैं कोड नहीं, एक वैल्यू लिख रहा हूँ, तो उसको कैलकुलेट करने पर क्या आउटपुट आएगा आपको प्रेडिक्ट करना है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जीरो, ओके, जीरो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो जीरो, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.00, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज लिख लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे -0.0। तो गाइस, सीधे आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप क्या इसको जज कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस? तो गाइस, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा नन, ओके। ये एब्रीवेशन है, इसका मतलब है नॉट अ नंबर, ओके। इसे आप अपनी मशीन पे खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। और गाइस, इसका क्या आउटपुट आया होगा, आप क्या सोच सकते हैं इसका आउटपुट क्या आया होगा? थोड़ा सा सोचिए और इसको प्रेडिक्ट करिए इसका आउटपुट क्या आया होगा। तो गाइस, इसका आउटपुट आया होगा, हमेशा याद रखिए, ये जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड की वैल्यू अगर 0.00 है, और अगर मान लो हम सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर मान लो हमको 2 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो इससे हमारा आउटपुट क्या आता है? बेसिकली डिवाइडेड बाय 0 मतलब एक्सेप्शन आती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, राइट? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जब राइट हैंड साइड आपको 0.0 मिले, तो इसका मतलब है कि वो डिवाइडेड बाय 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो है इनफाइनाइट आने वाली है। तो यहाँ पे एक वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है, उसको बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी। तो आउटपुट में हमें मिलेगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है, जो कि जावा में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये गाइस आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और ये जो आएगा, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी, ओके। इसमें अभी इसमें क्या आएगा? इसमें तो ठीक है, ओके गाइस, सेम इसमें भी यही आउटपुट आएगा, नेगेटिव का इन्फिनिटी, ओके, मतलब माइनस का इन्फिनिटी, राइट? तो ये आउटपुट आएगा बेसिकली। आई होप आपको इतना बेसिक सिंपल थिंग समझ में आई होगी, ठीक है। अब गाइस, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वो यहाँ पे एक आउटपुट और लिखता, मान लो 1/0, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आता? यहाँ पे कुछ नहीं आता गाइस, यहाँ पे आती अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ओके, और वॉट यहाँ पे आता, बाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो चलिए इसे मशीन पे, चाहे तो अभी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ, बट बेसिकली इसे आप अगर अपनी मशीन पे खुद टेस्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो ये बेसिक सिनेरियो होते हैं। अब गाइस, कुछ और मैं ट्रिक्स और टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, मैं यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करता हूँ, मान लो 0. इसमें हमारी कंडीशन पे आता हमारा आउटपुट व्हाट? फॉल्स। और अगर मैं कहूँ कि 0.0 ग्रेटर देन माइनस का 0.0 और 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? और फॉर एग्जांपल एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे जो जावा में प्री डिफाइंड है रैपर क्लासेस, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्लास का यूज़ करना है डबल, और जो अभी मैंने ऊपर चर्चा किया हुआ है गाइस, NaN, नन वैल्यू, नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू आपको मिलती है, यहाँ पे आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ, राइट, तो मान लो मैं किसी भी वैल्यू से, मान लो फ्लोट का भी रैपर क्लास होती है फ्लोट, इसमें भी आपको नॉट अ नंबर मिलेगा, नन। इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका क्या आउटपुट आएगा? और गाइस, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखता हूँ आपका, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैं चीज़ पूछने वाला हूँ, लास्ट में उसको पूछूंगा मैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं कलर चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे 1/1 आउटपुट लिखता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा बेसिकली फॉल्स, ठीक
ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा आपका, ठीक है। और अगर आप इसमें से करते हैं तो ये भी फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, राइट। तो करेक्ट गए, सारे फॉल्स हैं, इट इज़ करेक्ट और नॉट। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या ये सही है गाइस, नहीं ये गलत है। ये जो लास्ट वाला है आपको ये ध्यान रखना, ये आएगा हमारा ट्रू, मतलब ये आइदर वैल्यू कोई भी, मतलब इसमें क्या है, ज़ूम करते मान लो इधर की वैल्यू कोई है, ठीक है ये, ठीक है मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इधर और इधर इमेजिन कर लिया, ये है ए और ये है बी, राइट। राइट वाला बी हो गया, हमारा लेफ्ट वाला ए हो गया, मतलब दोनों वैल्यू अगर हमें नन है तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और नन नहीं भी है तो भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा गाइस। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे, ओके। अब मैं लास्ट में एक बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, वैल्यू पुट करके दिखाने वाला हूँ और आपको उसको लास्ट ये है, इसे आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स इमेजिन कि मान लो मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 1.0। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप इसको इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे, राइट। 1.0 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ओके, इसका क्या आउटपुट आएगा गाइस, सोचिए इसका क्या आउटपुट आएगा गाइस। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी 0 पॉइंट करके, 0 पॉइंट यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, ठीक है, सो ऑन, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये एक्चुअली इंटरनली एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या एक्चुअली ये बन जाएगा, ये बनेगा 1.0 डिवाइडेड बाय 65। तो ये जो भी इसको आप परफॉर्म करने पे जो भी इसका आउटपुट आएगा सेम आउटपुट इसका भी आएगा, राइट। तो गाइस ये बेसिक ट्रिक्स थी जो आपको बहुत ही काम आएंगी, अगर आप सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। सो इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।